हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक एन इन्वेस्टमेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप अपने MI TV में, एंड्रॉयड TV में या स्मार्ट TV में लाइव साउंड सेटिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स, लाइव साउंड सेटिंग का मतलब हो गया कि आप कोई गाना या मूवी चल रहा है और आप उसी समय जो है आप साउंड सेटिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको बार बार सेटिंग को चेंज नहीं करना पड़ता है कि हाँ अच्छा सुनाई दे रहा है आवाज़, साउंड अच्छा बेटर एक्सपीरियंस मिल रहा है कि नहीं। तो लाइव सेटिंग करने से आपको ये बेनिफिट होता है। हम फ्रेंड्स NSC सॉन्ग पेन ड्राइव में कॉपी कर लिए हैं, आप जो है मूवी या सॉन्ग जो है कॉपी कर सकते हैं। तो NSC सॉन्ग नो कॉपीराइट सॉन्ग जो है हमने कॉपी कर लिया है और उसके बाद उसको कैसे चलाएंगे और चला के कैसे सेटिंग करेंगे ये इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, लाइव साउंड सेटिंग करते हैं अपने MI TV में, Android TV में, Smart TV में, जैसे अभी आप TV आपके घर में उपलब्ध है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड। सबसे पहले आपको MI TV के स्क्रीन में आ जाना है। अगर आपने VLC नहीं डाउनलोड किया है तो जाके प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमने डाउनलोड करके रखा है। तो चलिए चलते हैं पहले VLC में। VLC में आपको अपने पेन ड्राइव को ब्राउज करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्राउज करने के बाद ये इंटरनल और HP का पेन ड्राइव है। यहाँ पर हमें कहाँ पे NSC म्यूज़िक है उसको ब्राउज कर लेना है। ब्राउज करने के बाद जैसे अभी ये इलेक्ट्रोमेनिया वाइटिलिटी NSC रिलीज है, इसको चलिए प्ले कर देते हैं। साउंड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको प्ले कर देते हैं। आप सुन सकते होंगे। अब चलिए बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद आपको TV के साउंड सेटिंग के उसमें आना है। आप देख सकते हैं गाना चल ही रहा है ये यहाँ आपके बैकग्राउंड में। तो आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद ये डिवाइस प्रेफरेंस में जाना पड़ेगा। डिवाइस प्रेफरेंस में जाने के बाद आपको ये साउंड सेटिंग में जाना पड़ेगा। साउंड सेटिंग में जाके आपको साउंड मोड में जाना पड़ेगा, फिर कस्टम में जाना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है और आप यहाँ से लाइव सेटिंग कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये 100 Hz को हमें ऑडियो ज़्यादा क्लियर के लिए हम ये -3 करके रखते हैं। आपको भी अगर अच्छा लगे तो आप भी 100 Hz को -3 dB करके रख सकते हैं। बाकी 300 Hz को 0 dB, 1000 Hz को 5 dB, 3500 Hz को 5 dB और 10,000 Hz को आप 2 dB करके रख सकते हैं। बाकी आप यहाँ से आप बढ़ा के देख सकते हैं। इसको करने से बेस बढ़ता है फ्रेंड, ये आप सुन सकते हैं बेस बढ़ रहा है। तो अगर आपको क्लियर ऑडियो चाहिए तो इसको आपको कम करके रखना पड़ेगा। और ये 10,000 Hz से इससे ट्रेबल बढ़ता है, आप शायद महसूस कर पा रहे हो। इसको आप 0 या 2 करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लाइव सेटिंग साउंड सेटिंग MI TV का कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स।